बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ललितपुर से, लकड़ी काटने गई 3 महिलाएं नदी में फंसी हैं। राजघाट बांध का गेट खुलने से हड़कंप मच गया है। जखोरा थाना क्षेत्र की बेतवा नदी का यह मामला है, लकड़ी काटने गई 3 महिलाएं फंस गई। चूंकि अचानक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे ये तीनों महिलाएं बुरी तरह फंस गई। अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर, ललितपुर में लकड़ी काटने गई 3 महिलाएं फंस गईं। ये तस्वीरें भी आ गई हैं भारत समाचार के जरिए, आप देख पा रहे हैं। ये 3 महिलाएं जो फंसी हुई हैं, लकड़ी काटने गई थी, पहले इतना पानी नहीं था, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ा तो ये फंस गई हैं। अब ये जाए तो जाए कैसे, चूंकि पानी का बहाव बहुत तेज है, और अगर इस रास्ते ये जाने की कोशिश करती हैं तो इसी धारा में ये बह भी जाएंगे, इसलिए ये फंस गई हैं तीनों महिलाएं। ये लकड़ी काटने गई थी, जंगल के उस पार गई थी, तब इतना पानी नहीं था, इन्हें काफ़ी टाइम हो गया लकड़ियां काटते काटते, और इसी में जब ये वापस आती हैं तो नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये बीच में तो आ गई हैं, उस छोर से यहाँ तक आ गई हैं, लेकिन यहाँ से दूसरे छोर जाने में इन्हें समस्या हो रही है, चूंकि पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि बहुत तेज है। ललितपुर से हमारे संवाददाता संजीव नामदेव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव, ये तीनों महिलाएं फंस गई हैं, इन्हें सकुशल निकाला जाए, जिला प्रशासन इसके लिए क्या इंतजाम कर रहा है? राहुल जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जखोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदरौन गांव पड़ता है, जहां से एक बेतवा नदी निकली है, बेतवा नदी में जो राजघाट गेट है उसके अचानक गेट खोलने की वजह से इस नदी में पानी आ गया। पानी आ जाने की वजह से जो महिलाएं जो लकड़ी काटने गई थी, वह अब एक टापू पर फंस गई हैं तीनों महिलाएं, जिसको जब थाना इंचार्ज जो जखोरा थाना इंचार्ज को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर पहले राजघाट गेट के गेट बंद कराया और फिर उनको रेस्क्यू करके तीनों महिलाओं को साकुशल निकाला है और अब उनको घर छोड़ दिया गया है। शुक्रिया संजीव नामदेव इस जानकारी के लिए आपका। संभल में घरेलू विवाद को लेकर सगे भाई ने